लिया जाता है। मेरे साथ लक्ष्मीकांत जी विधायक थे, मंत्री थे। लक्ष्मीकांत जी का जब जिक्र होता है तो मन भर जाता है। एक निर्दोष व्यक्ति पर जो बेबुनियाद आरोप लगे, निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो उनको जानता है वो ये मानता है कि लक्ष्मीकांत जी सब कुछ कर सकते हैं, किंतु इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, जिसके कारण वो ये लकीरें इस प्रकार का योग होता है कि आदमी को निर्दोष होने के बाद भी दोषी करार कर दिया जाता है, उसके बाद वही व्यक्ति कोर्ट से निर्दोष होकर बरी होता है। पर जो संकट उन्होंने झेला जाने के पहले, निश्चित रूप से आज भी मेरे मन में वो वेदना है। लक्ष्मीकांत जी जब वो जेल में थे, मैं मंत्री था, मैं मिलने भी गया था, मेरे से गले लगकर रोने लगे कि कैलाश जी जो अपराध मैंने नहीं किया उस अपराध की सजा पा रहा हूं। कुछ योग होगा, मैं तो ऐसा मानता हूं कि कभी कभी पिछले जन्म के भी कुछ ऐसे योग होते हैं कि व्यक्ति को निर्दोष होने के बाद भी दोषी करार कर दिया जाता है। मैं आज भी मानता हूं लक्ष्मीकांत जी इस दुनिया में नहीं है, पर वो निर्दोष थे, वो पवित्र थे और हमेशा गरीबों की सेवा, जनता की सेवा सब में लगे रहते थे। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात कर रहे हैं।